हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को हंस के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में छोटे बड़े रंग बिरंगे कई सारे पंछी हैं, जिनमें से एक पंछी है हंस, जो कि बेहद खूबसूरत और समझदार पंछियों में से एक है। आपने सफेद हंस को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हंस काले रंग का भी होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हंस पंछियों की 6 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इनकी काले गर्दन वाली नस्ल भी होती है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। हंस की अलग अलग प्रजातियां दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर 25,000 से भी अधिक पंख पाए जाते हैं। ये सबसे बड़े उड़ने वाले पंछियों में से एक हैं। इनका वजन 50 किलोग्राम तक हो सकता है। नर हंस का आकार और वजन मादा हंस की तुलना में अधिक होता है। क्या आपको पता है कि हंस इस दुनिया के सबसे वफादार प्राणियों में से एक हैं? आपने दो हंसों का जोड़ा कहते हुए किसी न किसी को जरूर सुना होगा। दरअसल दो हंसों के जोड़े को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये पंछी अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करते हैं और पूरी जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि इनके बीच तलाक भी हो जाता है, या जीवन साथी की मौत हो जाने पर वे आगे की जिंदगी के लिए दूसरा साथी ढूंढ लेते हैं। एक रिसर्च के अनुसार इनके बीच तलाक होने की संभावना केवल 6% होती है। ये जीव बहुत ही कम उम्र, लगभग 3 से 4 साल के होते हैं, तब से ही प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। अगर अंडों की बात करें तो उन्हें सेने के लिए इन्हें 35 से 45 दिन लगते हैं। एक मादा हंस 3 से 9 अंडे दे सकती है। इस पंछी की याददाश्त बहुत तेज होती है। हंस पंछी दिखने में शांत होते हैं और पानी पर बहुत ही धीरे धीरे तैरते हैं, लेकिन हवा में ये 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। एक साथ कई सारे हंस जब समूह में उड़ते हैं तो वे एक वी आकार में उड़ते हैं। हंस को रोटी खिलाने से बचना चाहिए, यह उनके पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। आप उन्हें सलाद, कटा हुआ अंगूर, बिना पका हुआ जई खिला सकते हैं। ये शिकारियों या किसी भी जानवर से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी दुश्मन या शिकारी को डराने के बाद वे अपने पंख को फड़फड़ाते हैं। हंस बहुत गुस्से वाले होते हैं, खासकर जब वे अपने अंडों या बच्चों की रक्षा कर रहे होते हैं। उनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दूसरे पंछियों, कुत्तों या इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। सन 2001 में एक हंस ने आयरलैंड में एक इंसान का पैर तोड़ दिया था। इससे पता चलता है कि ये पंछी कितने आक्रामक हो सकते हैं। मादा हंस अपनी पूरी उम्र प्रजनन करने में सक्षम होती है और अपने जीवन काल में कई बार अंडे दे सकती है। हंस अपने बच्चे की देखभाल लगभग 6 महीने तक करती है। 6 महीने में हंस के बच्चे पर्याप्त समझदार हो जाते हैं और वे अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, शुरुआत में लोगों को यही लगता था कि हंस सफेद रंग के ही होते हैं, लेकिन 1636 में एंटोनी कैन नाम का एक डच नाविक ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार काले रंग के हंस को देखा। तो मैंने आपको हंस के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।